पूरा देश डिजिटल इंडिया बनने की फिराक में है और इस पे काफी काम भी चल रहा है, लेकिन अभी भी इस देश के अंदर ट्रेनों के अंदर लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। उसके अंदर आदमियों को जानवरों से ज्यादा बदतर स्थिति में जाना पड़ता है। जानवरों की तरह भरकर ट्रेनें चलती हैं। उसके अंदर हम लोग सुपर एक्सप्रेस ट्रेन की उम्मीदें और ख्वाब देखते हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली देश की पहली वीआईपी ट्रेन वंदे मातरम एक्सप्रेस, ये वही ट्रेन है जिसके अंदर वीआईपी या हाई प्रोफाइल लोग चलते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को बासी खाना परोसने का मामला सामने आया है। ट्रेन का खाना कानपुर के एक बड़े होटल की ओर से सप्लाई किया जाता है। इसको लेकर रेल मंत्रालय सतर्क हो गया है और जांच के आदेश भी दिए हैं। ट्रेन में सफर करने वाले भारतीय सेना के एक कर्नल ने इसकी शिकायत 9 जून को की। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ट्रेन में भोजन उपलब्ध कराने वाली भारतीय रेल खान पान एवं पर्यटक निगम IRCTC होटल को दंडित कर सकता है। बता दें कि जिस दिन बासी खाना परोसा गया उस दिन रेलगाड़ी के फतेहपुर से सांसद केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को यात्रा कर रही थी और IRCTC पर्यटक समूह महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि एक यात्री और से शिकायत मिली और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। पहली नज़र में ही लगता था कि कानपुर के 5 सितारा होटल में चावल की आपूर्ति को यात्रियों के मुताबिक ताज़ा नहीं था। IRCTC उत्तर प्रदेश समूह महाप्रबंधक होटल के भोजन तैयार करने और पैकेज का निरीक्षण कर रहे हैं। कुमार ने बताया कि उन्होंने देखा है कि गैर एसी वाहन में भोजन ले जाया जा रहा था जिसमें हो सकता था समस्या हुई हो। अत्याधुनिक गर्मी के कारण चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं, लेकिन इसकी अनुपाति नहीं की जा सकती। रेलवे अपना खाना बचाता है IRCTC, और चाहे उसकी वजह से किसी की तबीयत खराब हो या फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ें हो, उन्होंने कोई संसाधन नहीं बनाया कि खाना इतनी महंगी गाड़ी के अंदर भी लोगों को किस तरीके से पहुंचाना है। हम कल्पना करते हैं डिजिटल इंडिया तेज फर्राटेदार दौड़ने वाली गाड़ियों की, लेकिन ना तो उसमें बैठने की सुविधा है ना खाने की सुविधा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।